यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 14। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवन प्रभु यीशु के नाम पर आप सबों को शांति और कृपा मिले। आज माता कलिसिया सन कर्नेलियस जो सन पापा थे और सन सिप्रियन जो धर्माध्यक्ष जो विश्वास के कारण शहीद हुए थे उनका स्मृति दिवस मनाती है। सन पौलुस आज का पहले पाठ में यही दोहराते हैं, यदि यीशु मसीह जीवित नहीं होते, पुनर्जीवित नहीं होते, उनका पुनरुत्थान न होता, हमारा धर्म प्रचार, धर्म के कार्य, हमारा विश्वास व्यर्थ होता। क्योंकि हम सभी किसको साक्ष्य देते हैं? उसी पुनर्जीवित प्रभु को। हमारा जीवन किस पर निर्भर है? उन्हीं पुनर्जीवित प्रभु पर। यदि वो पुनर्जीवित नहीं होते, हम भी आज के दिन विश्वास के रूप में जीवित नहीं होते, व्यर्थ ही जीवन बिताते, क्योंकि हम लोग पाप में फंस जाते हैं, संत पौलुस कहते हैं। और हम विश्वास करते हैं उस मरे हुए प्रभु पर नहीं, उस विनाश हुआ प्रभु पर नहीं, लेकिन हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, संत पौलुस कहते हैं, वो जीवित प्रभु पर, जो मृतकों से जी उठा, उस प्रभु पर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या मेरे अंदर उस जीवित प्रभु की झलक है? पुनरुत्थान हुए प्रभु के क्या विश्वास है? भरोसे में जीवन बिताता हूं? जीवन में दुख तकलीफ के क्लेश आते हैं, किस प्रकार उसको मैं ग्रहण करता हूं? मैं प्रभु का पुनरुत्थान को दूसरों में किस प्रकार प्रमाण करता हूं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत लूकस आज का सुसमाचार में यही दोहराते हैं, जो प्रभु में जीवित कर जीवन प्रभु में विश्वास करते हुए जीवन बिताते हैं, वो दूसरों की सेवा में, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए जीवन नहीं बिताते हैं। संत योहन के सुसमाचार में प्रभु स्वयं कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझे विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। मेरा जीवन क्या प्रभु पर निर्भर है?